भीम सिंह होंदे गेहूं जिस जिस खाधे उन्हें भी उ'आं गै नच्चना ही इक दिन रस्से लाइयै। सर भीम सिंह होर अ'ऊं तुसें दस्सना कि इक बाबा जित्तो हे, दिक्खना इ'नें रोंदे ही दिक्खना नी जेल्लै, मिगी बड़ा दुख होंदा मनकोटिया होंदा जेल्लै रोआ दे होंदे, लेकिन मिगी ओह् चेता आंदा कि जिस बेल्लै भीम सिंह होरें जेह्की शिक्षा देआ दे हे इ'नेंगी और इं'दे कन्नै च इं'दे दमाकै च ओह् गल्लां नेईं बैठियां आंदियां, कि इ'यां लग्गेआ कि इ'नें कोई भीम सिंह होंदा भूत पलची दा ही ऐ और उं'दी हत्या चमकी दी और जिस तरीके कन्नै एह् रोआ दे कि मामा बागड़िए मारा दे, मामा बागड़िए मारा दे, ओह् मारिये बागड़िए बागड़िए पिच्छे लग्गे लेइयै पैंथर पार्टी बनी, जियां महाराजा हरि सिंह दी छुट्टी 370 पैंती ऐ डोगरें गी अपना हक देने आस्तै, इ'यै जे मुद्दे हे मेन मुद्दे जेह्के पैंथर पार्टी है, लेकिन एह् चीजां जेह्की जेल्लै मिलियां ते पैंथर पार्टी मुक्की, ते जिन्नी स्पीड कन्नै उं'दे अंदरे गे नुहाड़ा दूनी स्पीड कन्नै वापस आए रौंदे रौंदे, कि मामे दियां पार्टियां नी हैन कि पुट्ठे सिद्धे कम्म करगे तुस, ते मामा जी सिरै हत्थ फेरुदा कि ठीक है बच्चा कोई गल्ल नी गलती होई तां केड्डा सुधार करूड़ेआ, ते एह् इत्थै मामे नी हैन इत्थै सारे फुफ्फड़ न, ते बागड़ियां जेल्लै सुट्टियां झंडियां ते फ्ही आए नसदे उत्थुआं रोंदे रोंदे, तुसें दिक्खी होनी इत्थै प्रैस कांफ्रैंस कीती इ'नें जम्मू खबर केह् कीता उ'नें, चलो उं'दे ने बी बदला लैगे कोई गल्ल नी, अगर उ'नें साढ़े भाइये किश आखा होग तां उ'नें केह्ड़ा असें छुड़ देना, आखदे नी अहें गौ आई बाबा शामराई ऐ, ते उत्त जाना किसी मार खाने तुसें, फ्ही रोना पेआ इन्ना किश करना पेआ, और जीके जीते पार्षद ओह् बी कन्फ्यूज न, उ'नें राती नींदर नी आंदी कि अस एह् नी पता लगदा उ'नें कि जेल्लै ओह् राती सौंदे उसलै ओह् पैंथर पार्टी दे होंदे, कोई अद्धी राती जेल्लै कुतै बाह्रै सेई जंदे उठदे तां ओह् बुहार आह्ले होई जंदे आम आदमी पार्टी दे होई दे होंदे, बडलै जेल्लै लो लगदी तां ओह् बीजेपी दे होई जंदे, मतलब उ'नें बी चक्कर आवा दा कि अस हैन कोह्की पार्टी दे न। मन्नगे तुस के तुस बलवंत सिंह मनकोटिया होर मिलियै जेह्की लोकें गी आवाज चुकगे, लोकें जे कम्म ओह् दोवें ने मिलियै करगे? नेईं करगे मिलियै गै अगर टिकिये इत्थें तां, हून क्योंकि इलैक्शन बी औनी गड्डी टिकट नेईं थ्होई तां खबर इत्थुआं बी नसी जान कुतै बस्सै, ते फ्ही कुतै मिलना में कुतै फिरना उं'दे बिच्चै, कि अस अगर जेह्के लोग पैह्लें बीजेपी गाली कड्ढदे रेह् अज्ज उं'दा लीडर गै बीजेपी च उठी दा, ते उ'नें केह् जवाब देना लोकें गी? में फोन कीता महां काउंसलर साहब जा दे तुस नी 3 तरीक आवा दे महां मनकोटिया होर, अहें जी हून उ'नेंगी चुक्की चुक्कियै जेह्का आखदा मेरे बी मुंडे हल्ली दे हून बस करी दे, अहें हून ते हून मात जुलदे गै उठी औन आपूं गै। ते में तुसेंगी पैह्लें आखेआ कि जेह्के लीडर बड़े मते सारे होई दे न कुतै कुतै लास्ट इ'यै ते गल्ल नहीं होनी कि टिकट कुसी थ्होई ते कुसी नेईं थ्होई, लास्ट इ'यै चक्कर बनना। बीजेपी इक संगठन ऐ जेह्का टिकटै चक्करै च इत्थें औंदा तां ओह् मरोई जंदा, जेह्का बनकार औंदा तां ओह् कुतै ना कुतै पुज्जी जंदा। अज्ज प्रोफेसर भीम सिंह होर साढ़े बिच्च नेईं हैन, लेकिन इक गल्ल अ'ऊं तुसेंगी दस्सना, उं'दी हत्या जेह्की है ना ओह् लग्गनी इ'नें, जिनें लोकें 12 साल मलाई चट्टी उ'नें लोकें सोचना चाहिदा हा कि एह् इक कोई कुसा जनेहा मर्जी होऐ औखा टाइम ऐ तां उसी टाइम गी कढ़ाना चाहिदा। जानना चाहगा तुं'दे कोल कि भ्रा जिसलै तुस त्रवै भ्रा जेह्के पैंथर पार्टी है ओह्दे च जेह्की तुं'दे घरै दी जेही लड़ाई गी लेइयै तुस जेह्के जो अलग अलग होई गे, ओह्दे बाद च इसलै बी जे इक तुं'दे भ्रा न हर्षदेव होर ओह् हल्ली बी दूई पार्टी जन, उं'दे में कल बी इक बयान दिक्खेआ उ'नें आखेआ कि बलवंत सिंह साढ़ा निक्का भ्रा है अज्ज भी उसी में सद्दना मेरे कन्नै आई जा, दमें जने मिलियै जेह्की है जनता दी आवाज। जम्मू कश्मीर की राजनीति में पिछले कई दिनों से बड़ा उलट फेर देखने को मिल रहा है, कई राजनेता जो है पार्टी जो है लगातार पार्टियों से जो है बदलते हुए नजर आ रहे हैं, कई पार्टियां छोड़कर दूसरी पार्टियों में जो है जाते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ आज खास बातचीत करने के लिए DDC जिगानू परीक्षित सिंह जी मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। हाल क्योंकि ये भी पहले जो है पैंथर्स पार्टी में थे और पैंथर्स पार्टी छोड़ने के बाद भाजपा का दामन थामा और उसके बाद जो है आप मौजूदा समय में जो DDC जिगानू हैं। सर सबसे पहले स्वागत है आपका उधमपुर अपडेट में। शुक्रिया जी। सर सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा कि आए दिन जो है जम्मू कश्मीर की राजनीति में जो है बदलाव सा देखने को मिल रहा है, कई राजनेता जो हैं अपनी पार्टी से जो है छोड़कर जो है दूसरी दूसरी पार्टीज में जा रहे हैं, लेकिन मैं उधमपुर शहर की बात करूंगा, उधमपुर के जो पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया और आप भी उनके साथ जो है काम जो है कर चुके हैं, क्योंकि पैंथर्स पार्टी के से ही आपकी जो है शुरुआत हुई है। आप जो है आपकी बात करें चाहे हर्षदेव सिंह जी की बात करें चाहे बलवंत सिंह मनकोटिया जी की बात करें, आप जो है एक ही पार्टी से जो है अपना जो राजनीतिक जो कैरियर था वो शुरू करा, लेकिन उसके बाद जो है आप जो है अलग अलग हो गए, लेकिन अब जो है मौजूदा समय में जो है बात करें अगर बलवंत सिंह मनकोटिया की तो वो जो है अब भाजपा का जो दामन थामा है, किस तरह से देखते हैं आप? देखो जी जिस तरीके कन्नै इक पहले प्रोपोगंडा चलता हा तो दिखते होंगे हे कि इे लोग जेडे आखते होंगे हे कि जड़ा मर्जी बटन दबाओ तो वोट फुले गै जाता है, हूँ आने वाले दिन च ऐसा काम हो जाना
जिस वेलै तुसें पोलिंग स्टेशन दे अंदर जाना उन निशान गै इक ही होना, सारे लोग गै इत्थें आईए, सारे लीडर गै इक्कै पार्टी च शामिल होइए। जिस वेलै अंदर जाह्गे तुस एक कलामा दे मुखिया आखना उत्थें निशान गै इक्कै होना, खाली फुल्ला गै, दूआ कोई लब्भना गै नहीं। ते एक गल्ल दे जिहड़ी ऐ ही लोकें कि भाई जिहड़ा मर्जी बटन दबाओ ते वोट फुल्ले जांदा, ओह ते मुक्की नहीं, उस गल्लै कशा ते खलासी होई सारें ही। ते बाकी मैं एक चीज़ जानना चाहगा, जियां बलवंत सिंह मनकोटी होर न, ये आए दिन जगह है कि जो मौजूदा सरकार है इनकी जो 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 कम्मा ही लेइए जगह ये जो रोजाना जो है सिड़कें उपर होंगे है, लेकिन हूँ के समझ गए तुम कि वो आवाज़ जो दिखने कोई मिल गई जी जो जो जनता की जी आवाज़ जो चुकते है जिन जनता की जगह परेशानियां आ दी वो हूँ भी दिखने लभन नहीं। खरा साढ़े बड़े भरा न वो अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे अस भी बीजेपी च न और बीजेपी च उनका स्वागत है, उन्हें बड़ा अच्छा जेका फैसला लैता। ते आऊं आखना कि पहले जेड़ी बागड़ियां कशा मार खाधी उत्थुआं रोंदे रोंदे आए ओदा कशा खरा पहले गै अगर आखदे नी है गौ आई बाबा शामराई है तो उत जाना किसी हा मार खाने तुसी, फिर रोना पिया इन्ना किश करना पिया, उन्हें खोरे कोके हाला कड्ढा उन्हें केह कीता। ते पहले गै जिस तरीके कन्नै असें सनेहा भेजा कि यह खरी है साढ़े अपने जड़ी है अपने लोकें दी पार्टी है साढ़े गरीबें दी आवाज़ सुनने वाली, अज किस तरीके कन्नै लोकें दे कम काज जड़े न भारतीय जनता पार्टी ने किन्नियां सारियां स्कीमां जेकियां ग्रां दे लोकें आस्तै आंदियां, अस बार बार इन्हें सनेहा भेजदे रेह भाई इतनी ताईं तुसी फसे हो कुतै, हुण आखदे नहीं बागड़ियें पार्टी ही ते बागड़ियें जेल्लै सुट्टियां झंडियां ते फ्ही आए नसदे उत्थुआं रोंदे रोंदे। तुसें दिक्खी होनी उत्थें प्रैस कानफ्रेंस की इन्हें जम्मू खबर केह् कीता उन्हें, चलो उंदे ने भी बदला लैगे कोई गल नहीं, अगर उन्हें साढ़े भाइये किश आखा होग तो उन्हें केड़ा असें छुट देना, असें छड्डने नहीं हैन। अगर इन्हें पूरे हल्ला उन्हें उन्हें लेता दिल्ली लेता उत्थें सद्या भी उन्हें ज्वाइन कराया भी और भी उत्थुआं कड्ढू उड़िया, भ्रा ते है नहीं साढ़ा, अगर कुसै बेइज्जती हो साढ़े भ्राऊ दी तां असें बर्दाश्त करू नहीं। नहीं पर एक चीज़ होर जानना चाहगा तुंदे कोल कि भ्रा जिले तुस त्रवै भ्रा जेके पैंथर पार्टी है ओह्दे च जेकी तुंदा घरै दी जेही लड़ाई की लेइए तुस जेके जो अलग अलग होइए, ओह्दे बाद च इस वेल्ले भी जे इक तुंदे भ्रा न हर्षदेव होर ओह हाली भी दूई पार्टी न, उंदे में कल भी एक बयान दिखाया उन्हें आख्या कि बलवंत सिंह साढ़ा निक्का भ्रा है अज भी उसी में सदना मेरे कन्नै आई जा दोवें जने मिलिए जेकी है जनता की आवाज़ चुकना है। नहीं वो ठीक आखा दे वो भी इतें ही आई जाना, आखना मैं पहले भी आख्या हा कि इत सारे जने एक जगह चलचै, तो यह होगी कोई पाकिस्तान की पार्टी है, ये भी साढ़े हिंदुस्तान की पार्टी है साढ़े राष्ट्रवादी पार्टी है और लोकें हक हकू वास्तव इतने भी अस लड़ाई लड़ी सकने बीजेपी भी तो लड़ाई लड़ी सकने, ये उन्हें हूँ बल्ले बल्ले समझ आवा दी और हो सकता आने वाले दिन हर्षदेव होर भी क्योंकि बड़े सुलझे आदमी और एक बड़े दिग्गज नेता जम्मू कश्मीर के साढ़े बड़े भ्रा न वह भी शायद आने वाले दिन कोई सोच विचार करिए भी बीजेपी गै शामिल हो जाए कोई बड़ी गल नहीं है, क्योंकि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जेका इयै एक विकल्प है जम्मू कश्मीर के लोकें कश जिदे साढ़े जेके पुराने मसले हे वो हल हो सकते, जियां 370 का मसला या होर जिहड़ियां भी साढ़िया परेशानियां हैं तो वह भारतीय जनता पार्टी हल करी सकती। वह मनकोटिया साहब की पता लग्या इस चीज़ा तो वह भी आईए, उन्हें भी जेडे साढ़े सीनियर लीडर है भारतीय जनता पार्टी के उन्हें कन्नै राबता किया और बीजेपी शामिल हुए, बहुत अच्छा उनका एक कदम है और जेड़ा अगे पिछे खजल होने कशा खरा कि कुतै सही ठिकाने पर कोई पुजिया। अज बेशक हर्षदेव होर आम आदमी पार्टी च न जां पहले पैंथर्स पार्टी च हे, लेकिन होई सकदा अंदरूनी उंदी सोच भी उ'ऐ जेह्की भारतीय जनता पार्टी की सोच है बीजेपी की सोच है, लोकें गी कम्म होने चाहिए तरक्की होनी चाहिए डेवलपमेंट होनी चाहिए, उंदी भी उ'ऐ सोच है। 370 खत्म होना चाहिए हा ये पैंथर्स पार्टी की मैं तुसें सनाया सोच ही, ये कोई केजरीवाल की सोच थोड़ी है कि 370 हटना चाहिए हा, ये पैंथर्स पार्टी ने सारा हां पहले जेका मुद्दा बनाया हा जब वह खत्म हुई आ 370 हटी आ पैंथर्स पार्टी का जेकी नींव रखी गई ही वो इस चीज़े लेइए रखी ही। प्रोफेसर भीम सिंह होर महाराजा हरी सिंह हुंदी छुट्टी आस्ते सारा हां पहले अगर कुसै आवाज़ चुकी ही तो पिछले रिकॉर्ड कढ़के प्रोफेसर भीम सिंह होरें चुकी। सर मैं इये जी गल साढ़े पैंथर्स पार्टी के जिन्ने भी मुद्दे हे अगर वो भारतीय जनता पार्टी हल करा दी तो बखिया रौली पाइए फायदा क्या उस चीज़ा,
तुंदी गल मैं समझा ना, लेकिन तुंदे कोल जानना चाहगा कि पैंथर पार्टी कुदे ना कुदे खत्म होआ दी लईए, पैंथर पार्टी बनी जियां महाराजा हरि सिंह दी छुट्टी 370 पैंती है डोगरें गी अपना हक देने वास्ते, इहे जे मुद्दे है मेन मुद्दे जे कि पैंथर पार्टी है, लेकिन इह चीज़ां जिहड़ी जिले मिलियां ते पैंथर पार्टी मुक्की मुक्की कुत्थै समा, पैंथर पार्टी दे लोग सारे बीजेपी च आई है। पर पैंथर पार्टी जी प्रोफेसर भीम सिंह हुंदे उन्होंने एक सपना देखा कि जी अपनी अलग पहचान ही पैंथर पार्टी का एक अलग डंका बजदा, डंका बजाई है फायदा क्या, हम तुसें सुनाना एक आइडियोलॉजी, पार्टी का मतलब के है एक सोच, एक कोई विचार, एक कोई थोड़े जेके मसले, उन्हें चीजें लेई है पार्टी बनती, जेल्लै थोड़े जेड़े मसले है उऐ हल होई गए तो पार्टी सिरै झुकी है, फिर ना किसी है भी साड़ा मसला जेका हा, जिन्हें भी मसले आए महाराजा हरि सिंह हुंदी छुट्टी का मसला हा, स्वर्गीय प्रोफेसर भीम सिंह होर हैं सारे कशा पहले जम्मू कश्मीर च मसला चुकया हा, जेडे साढ़े मसले आए सारे हल होइए, और शायद ये भड़की दे हे जां इन्हें किस तरीके कन्नै कुसै गुमराह किया, और ऐसियां पार्टियां च गे उठी जियां अज्ज मतलब कि इन्हें पता लग गया, उत्थें एहसास होया इस चीज़ का कि भाई फलाने लोग न उत्थें बागड़िए न उत्थें ओके न, बागड़ियां कोई कुसै घरा थोड़ी पगड़िए लेता हा, कम से कम अपनी सोच होनी चाहिए कि केड़ी पार्टी साढ़े जम्मू कश्मीर दे हित आस्तै लड़ा दी, साढ़े जम्मू कश्मीर आस्तै जेहड़े गरीबें आस्तै केड़ी पार्टी है जेहड़ी उंदे हक हकूक आस्तै लड़ा दी, क्यों नहीं अस उंदा साथ देचै, जां साढ़ी जेहड़ी आइडियोलॉजी ही पैंथर्स पार्टी दी ओह किस पार्टी कन्नै मिला दी, जां कुस साढ़े मसले हल कीते, जेहड़े साढ़े जिन्ने भी मसले आहे ओह कुस हल कीते, क्यों ना अस उंदे कन्नै मिलचै, इयां गै कोहां कुसै विदराजै बेही जाना चाहिदी। ते इत गल्लै जेहड़ा है होई सकदा आने आह्ले दिनें च मैं अर्षदेव होरें भी आखंग, साढ़े भ्रा न कि वह भी उंदे भी उपर अच्छे लिंक न सारे कन्नै, बीजेपी कन्नै भी अच्छे उंदे तालुकात न लीडरें कन्नै, ओह भी इस्सै पार्टी च, जियां मेरे शुरू शुरू च जिस बेल्लै तुसें लोकें गै पुच्छेआ मीडिया आह्लें कि केह् अग्गें केह् होग, महां इन्हें सारे आई जाना बल्लें बल्लें, एह् सोआद चखा दे ताहीं तुसीं सज्जा खब्बै, बाद च इत्थें गै मतलब कि रेही रिहाई है जेह्का भारतीय जनता पार्टी ने गै जेह्ड़ा इंदी नइया पार करनी है, और इन्हें मजबूर होइयै इत्थें भोजना पाना। उसके समझते हो जी कि अगर गल करचै तो जम्मू कश्मीर जी अपोजिशन बिल्कुल मुक्का दी है, अपोजिशन कोई पार्टी नहीं रही भी, एक इक्के पार्टी जी पैंथर पार्टी जी अपोजिशन स्ट्रांग ही जी लोकें हक हकूक जी सड़कों उपर होंगी ही, चाहे बलवंत सिंह मनकोटिया हुंदी गल करचै, जां जिल्ले तुस भाजपा ही नहीं है तुस भी लोकें कन्नै जे सड़कें उपर होंदे जे मौजूदा सरकार दे खिलाफ जी आवाज़ चुकदे, लेकिन फिर हुण के मन गए उसके आवाज़ चुकना कोई नहीं रहा। नहीं हॉस्पिटल दी समस्या है साढ़ा, चाहे कोई जिहड़ा प्रशासन पुलिस प्रशासन है जिस तरीके कन्नै मर्डर होआ दे उधमपुर च, चाहे ओहदा मसला है चोरियां चकारियां मसला, चाहे रोड दा मसला, सड़कां मसला, पानी दा मसला, अस हर एक मसले आस्तै बोलने आं, असें नहीं कुसै ठाकेआ बीजेपी आह्लें कि भाई तू की बोलन ना, ओह्दे समां शाबाशी दिंदे कि तुस लोकें आवाज़ लेइयै अग्गें आवा दे, जियां अज्ज डाक्टर साहब आ दे हे इत्थें साढ़े MP साहब, ते असें उंदे अग्गें भी जेहड़ियां जेहड़ियां परेशानियां है हियां ते उत्थें रखियां, किस तरीके कन्नै हस्पताले च आदमी जेहड़ा जींदा सत्था थाना जंदा ते लाश नुहाड़ी बाहरे आउंदी दूए जां त्रीए दिन, जां जेल्लै मरने र होंदा तां कोई अद्धा घंटा घंटा बजा होंदा उसी मरने दा, रैफर करी ओड़दे टिक्करी पुजदा नहीं ते मरी जंदा। मनगे तुस के तुस दे बलवंत सिंह मनकोटिया होर मिलिए जे लोकें गी आवाज चुकगे, लोकें जे कम्म दोवें ने मिलिए करगे? नहीं करगे मिलिए गै अगर टिकिए इत्थें तां, हुण क्योंकि इलैक्शन भी आउनी गड्डी टिकट नहीं थ्होई तां खबर इत्थुआं बी नहीं जान कुदै पास्से ही, तां फ्ही कुत्थें मिलना मैं, कुत्थें फिरना उंदे बिच्च, नहीं दिक्खो जिन्ना गजी बजी है बाजा कन्नै तुसें गे हे पैह्लें ओह् मोहर आह्ले कन्नै, ते जिन्नी स्पीड कन्नै उंदे अंदरे गे नुहाड़ा दूनी स्पीड कन्नै वापस आए रोंदे रोंदे, ते हून उत्त खाली आखा दे बागड़िए हे, इत्त मते न, इत्त बागड़िए भी हैन, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा बड्डा गुलदस्ता हा, इत्त बिहारिये भी हैन, इत्त गुजरात दे लोग गुजराती भी हैन, ते इत्त सारें गी सुनना पौनी, इत्त कश्मीरिये भी हैन सारे हैन, हून उत्थें बिहारिये बागड़िए मगर लगे हे, इक पास आखन नहीं हून गुजरातिये मगर लगे मेरा, तां फ्ही कौन नस्सना, ते एह् नस्सन तां असें इंदे पिच्छें कुत्थें ही नस्सना, इत्त गल्ला एह् है कि इक जगह जित्थें आदमी बनका होऐ, चाहे ओह् किसै किस्म दी भी पार्टी कोई भी माड़ी नहीं है, उ'आं करना ना, पैंथर्स पार्टी माड़ी ही क्योंकि पैंथर्स पार्टी ने इ'नें अगर द'ऊं द'ऊं बारी इत्थुआं MLA बनी गे, 12-12 बरे अगर MLA रेह तुस
ਤਾਂ ਉਹ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਛੁੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਕਿ ਕੁਦੇ ਨਾ ਕੁਦੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਚੱਕਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਛੁੜੀਏ ਦੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਨੇ ਕੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਉਹ ਕੁੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਕੁੱਥੇ ਤੱਕ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਜਕੀਨੇ ਜਗਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਜੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੁਦੇ ਨਾ ਕੁਦੇ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ देखो जिस वेल टिकटा इन्हें वंडनिया सब कई पैंथर्स पार्टी असें कोई इलेक्शन नहीं लड़ी अज तक उगा इंदा ली गल है कि मेरी भाई प्राइमरी मैंबरशिप कि नहीं है ही आम आदमी पार्टी जी भाई आखा था कि मेरी है ही कि नहीं मेरी को की पैंथर्स पार्टी कोई इन्हें मैंबरशिप की कोई असें इलेक्शन मैंडेट उपर लड़ी हुई है जिस बंद तो वह उस पार्टी का होंगे अस ये हा कि साड़ा जन्म हो जिस घर च तो उस घर लोग पैंथर पार्टी से है साढ़ा इन्ना गै पैंथर्स पार्टी का हा बाकी असें कोई अज तक इलेक्शन गै नहीं पैंथर्स पार्टी की लड़ी ना कोई बी डी सी ना कोई डी डी सी ना कोई एम एल ए की ना कोई एम एल सी की कोई किसी किस्म की कोई इलेक्शन नहीं असें लड़ी पैंथर्स पार्टी की लेकिन जिन्हें लोगों बारह बारह साल मलाई चट्टी उन्हें लोगों सोचना चाहिए हा कि एक कोई कुसा जिन्या मर्जी होखा टाइम है तो उसी टाइम की कढ़ाना चाहिए जरूरी नहीं है कि एम एल ए या पावर च रही है गै तुम उसी चीजें करी सकते एक कुसा औखा टाइम आई जा आए प्रोफेसर भीम सिंह होर साढ़े बिच नहीं हैन लेकिन एक गल अं तुसें दसना उंदी हत्या जेकी है ना वह लगनी इन्हें उंदी हत्या लगनी और जिस तरीके कन्नै रोआ दे ना एक दिन अं दिखा दा वीडियो देखी मैं है बागड़िए पता नहीं केह करा दे कियां मतलब मिकी इ'यां लग्गिया कि इन्हें कोई भीम सिंह हुंदा भूत पलची दा आई है और उंदी हत्या चौंकी दी और जिस तरीके कन्नै रोआ दे कि मामा बागड़िए मारा दे वो मारीे बागड़िए बागड़िए पिछे लगे और इन्हें इस तरीके कन्नै सुत्ते भी राती इ'यां गै कलाना क्योंकि इन्हें धोखा कीता उंदे कन्नै प्रोफेसर भीम सिंह हुंदे कन्नै जिन्हें भीम सिंह होरें इनेंगी तैयार किया एक उंगली दा पकड़ी है और लास्ट जेल्लै उंदा मरना टाइम आया और उन्हें धोखा देइयै गे उठी है लास्ट टाइम जेह्का उन्हें साढ़े कन्नै कढ़िया जिस तरीके कन्नै भी और असें मतलब कि पूरा उन्हें रोंदे हे ओह लास्ट मतलब कि होर किश नहीं है रोई रोई है उन्हें सनाया कि एक मैं इन्हें लोगों पर विश्वास किया और अपना सब कुछ इन्हें सौंपूड़िया उसके बाद भी मेरे कन्नै धोखा करी है ठीक है जदों स्वर्गीय प्रोफेसर भीम सिंह हुंदा निधन हो गया उसके बाद एक बलवंत सिंह मनकोटिया हुंदा एक बयान जो वायरल होया है कि उन्हें यह गलाया कि प्रोफेसर भीम सिंह और कन्नै मेरे बड़ी सारी गल्लां बातें हुई बड़े सारे वादे हुए हैं वो जो आने वाले समय जो तुम जो सुनागे लेकिन अज तक उन्हें वो सुनाए नहीं कि मन गए कि जे उनके कन्नै जो वादे किए थे वो भाजपा ही जाइए पूरे उन्हें नहीं उसके अभी उत्थे गया जल जो गल्ला हुई है ना उन्हें अज तक नहीं दसियां की गल्ला बैठे हे हस्पताल उन्हें जल्द अटैक होया लास्ट ना इतने उधमपुर गए साढ़े कोल गए इतने स्टे किया उन्हें तो यह तकरीबन कोई छे बजे मनकोटिया और भी आई है उत्थें प्रोफेसर साहब भी उत्थें गए हे इन्ने चिरे उन्हें आम आदमी पार्टी ज्वाइन नहीं की है मनकोटिया और भीम सिंह होरें गल गलाई अस बैठे हे दो भ्रा हे अस मनकोटिया और मनकोटिया साहब मैं एक गल दसा तुसें मेरा टाइम आखिरी आई दा भगवान की कसम तरकाला वेला मेरा आखिरी टाइम आई दा और साढ़े बां होंदी उत्थे पेलछी होंदी लगी है बाहीं उत्थे कई बारी केह होंदा कि आदमी नहा दे होंदे उंदा जिथे पैर बनका होंदा अगर उत्थे बनका रवे तां उह खरे रौंदे त्रैटू वाली जगह जिस वेलै पैर होइया ते एक बारी आदमी जिस वेलै त्रैड़ लगी आ भी वह त्रैड़ता गै जंदा त्रैड़ता गै जंदा उन्ना चिर तक जिन्ना चिर तक नुहाड़ा लक्क नहीं त्रुट्टे यह गल भीम सिंह होरें जंदे जंदे मेरे सामने जेह्की गल हो दी और अज वो गल पूरी होआ दी कि जिस वेलै इन्हें त्रैड़ लगी पैंथर पार्टी चा इन्हें डोगरा क्रांति दल च गए उत्थुआं त्रैड़ लगी ये आम आदमी पार्टी की मुहार चुकी इन्हें उत्तों उठीयै टोपी लाई है भी उत्थुआं त्रैड़ लगी हूँ बीजेपी च आई है हूँ इत्थुआं त्रैड़ लगी है तो भी होर कुछ जाना वो जेकी प्रोफेसर भीम सिंह हुंदी वाणी ही लास्ट दी वो एक ऐसे शब्द जेके इन्हें आखे वो नहीं भुलदे हैं मिकी कई बारी सुत्ते भी चेता आउंदा जेल्लै हुण दिखना इन्हें रोंदे ही दिखना नहीं जेल्लै मिकी बड़ा दुख हुंदा मनकोटिया हुंदा जेल्लै रोआ दे हुंदे लेकिन मिकी वो चेता आउंदा कि जिस वेलै भीम सिंह होरें जेकी शिक्षा देआ दे हे नहीं और इंदे कन्नै च इंदे दमाके च ओह गल्लां नहीं बैठियां हुंदियां क्योंकि उसलै इन्हें खुमार आई दा हा कि खबरै मिकी मुख्यमंत्री बनाउन आम आदमी पार्टी आह्ले ते खबरै कुतै मौका थ्होई जा
लेकिन उंदी जिहड़ी गल ही उंदा जिहड़ा एक सुझाव हा शिक्षा ही उसी अगर ये समझ उठते गले तो वह बड़ा वड्डी गल ही लेकिन इन्हें नहीं समझी। और प्रोफेसर भीम सिंह होर तुसीं दसना कि एक बाबा जीतो है जिस तरीके बाबा जीतो का रोल रहा उस तरीके भीम सिंह होरें अपना रोल अदा किया। जियां विधि सिंह मैते जिहड़े अग्गें वंश के लोग हैं ना वो जिस वेले झिड़ी मेला होंदा रस्से लाइए तो नचदे उत्थें वो ज्हारें स्हाबें लोग आ दे होंदे जेके अग्गें उंदे परिवार कन्ने जुड़े लोग हे उ'आं गै ओह टाइम आई जाना तुसें देखना भीम सिंह होंदे गेहूं जिस जिस खाधे उन्हें भी उ'आं गै नचना ही एक दिन रस्से लाइए वो भावें MLA बनी जाङन MP बनी जाङन वो मंत्री बनी जाङन मुख्यमंत्री बनी जाङन लेकिन उन्हें एक दिन उस तरीके कन्ने रस्से लाइए और नचना पौना क्योंकि उंदी लास्ट जेका टाइम है वो बड़ा बुरा टाइम निकला और रोंद रोंद उन्हें प्राण दिते अपने त्यागे जेके रोंद रोंद प्राण त्यागे उन्हें ना जींदे सुख होआ ना मौत सुख होआ जिस तरीके कन्ने और साड़ी कोशिश इयै रही कि लास्ट जेड़ा उन्दा संस्कार है वह पुत्रियान उंदा जेका पैतृक गाँव है उत्थे होना चाहिए अपने ग्रां च होना चाहिए और उत्थे भी कई लोगों की कोशिश ही जरा इत्थे गै फूकूड़ो जम्मू गै जोगी दराजे ते एड़ा दूर लेने की जरूरत के है। लेकिन ये चीज़ा शायद ये कोर्ट च इहदा कोई केस नहीं चले शायद कुदै FIR नहीं लगे कोई मीडिया च नहीं आवै कोई सोशल मीडिया च नहीं आवै लेकिन ये चीज़ तुसें दिखनी अपनी अक्खीं कन्नै कि केह् होया हा उंदा भी उन्हें लोकां जिन्हें लोकें भीम सिंह हुंदे कन्नै ऐसा जुल्म कीता हा जां उन्हें जिहड़ी एक ऐसी मुहिम शुरू कीती ही उन्हें लोकें जिन्हें लोकें उन्हें दो दो बारी MLA बनाया और अज जो बागड़ियां कशा मार खा दे ते फ्ही रोआ दे कि बागड़िए मामा बागड़िए मारिए वे बागड़िए तुसें मारा दे ते तीगे दे किसी है तुस उंदे कशे जरूरत केह् ही जब तुस एक स्टेट प्रेजिडेंट हो पार्टी दे तुसें स्टेट प्रेजिडेंट दा ओहदा थोदा MLA तुस दो बारी बने प्रोटोकॉल थोड़ा पूरा है गलबात थोड़े हर एक अफसर सुना दा DC थोड़ी सुना दा और हर एक जिहड़ा डिस्ट्रिक्ट अफसर है डिस्ट्रिक्ट दा वो थोड़ी गलबात सुना दे लोकें मसले हल होआ दे और इहदा बद्ध तुसीं की चाहिए की मनगे सर कि सारा काम जिहड़ा कुर्सी चक्कर ही होया कुर्सी चक्कर जिहड़ी पैंथर पार्टी कुदै ना कुदै खत्म होने कगार उपर आई। देखो कुर्सी ऐ चक्करै च गै जिस बेलै असें आखेआ इन्हें कि भाई असें भी कुदै खड़ेरो असें भाई बड़ा चिर होई गेआ 25 बरे होई गे चलदा नहरे लांदा 14 सीटां बनियां जिस बेलै इहदियां DDC दियां ते 14 च महां भाई साढ़ा भी हक बनता कुदै जां नहीं तो असें सीधा आखिए भाई थोड़ी कार्यकर्दगी घे रही पार्टी च तो उस वेलै असें कड्ढा इन्हें कोई अस पार्टी छुड़ियै नहीं हैन आए असें कोई आखेआ कि तुस टिकटै चक्करें जां कोई DDC बनने चक्करें च तुस उठी आए असें समझांदे आखदे कि नहीं तुस भाई अग्गें तुसें MLA दी टिकट देगे तुस कम्म करो फलाना करगे जां एका करगे असें अज तकर कुदै इन्हें सरपंच इलैक्शन बी नहीं लड़ना दित्ती पार्टी दे नां पर अगर असें कोई सरपंच आस्तै भी फार्म भरेआ होग तो साढ़े खिलाफ पैंथर पार्टी का कैंडिडेट उत्थें खड़ेरी उड़िया होना सरपंच आस्तै बाद च जेल्लै DDC दी इलैक्शन अनाउंस होई तां असें आखदे थोड़ी कार्यकर्दगी केह् रही बस साढ़ी कार्यकर्दगी नहीं ही ओह्दे आस्तै ते तुस की नस्से हुण इन्हें पुछा कोई थोड़ी कार्यकर्दगी ही तां हुण की नस्सा दे तुस छुड़ियै है एक दूए रे ब्हाना बना दे कि ओह आखदा ओह गाल कड्ढी आ ओह आखदा मिकी इ'यां आखी आ है अगर नेहियां तुसें गाली कौड़ियां लग्गा दियां हां दौं दौं बारी MLA रही है ते भी तुसें तां नहीं गाली लब्भियां जे जेल्लै DDC दियां टिकटां बंडनियां हां तुसें तां नहीं तुसें लब्भेआ कि पार्टी माड़ी है जां इहदे च माड़े लोग न टिकटां भी तुसें बंडियां सब किश तुसें कीता और भीम सिंह हुंदे प्राण भी लेई लैते और अजें भी तुसें संतुष्टि नहीं आई और अज चलो ठीक है अज BJP च आए अच्छी पार्टी है लेकिन जेके शायद होई सकदा इंदे कोई पोलिटिकल कैरियर ठीक ठाक होई जा BJP च आने आह्ले दिनें च लेकिन बाबा जित्तो दे गेहूं जेके न ओह् बड़ा मंदे तरीके ने निकल लेना आने आह्ले दिनें च तुसें भी दिक्खना कि जिस तरीके कन्नै एह् रोआ दे उ'नेंगी दिक्खा दा रोंदे जिस दिन तो अ'ऊं एह् दिक्खा कि एह् इंदी हालत केह् होई एक राजा आदमी जेका बागड़ियां कशा मार खाइयै आया उठी हैं जेका राजा हा साढ़ा एक और उसी पैह्लें उ'नें टोपी लाई ते फ्ही मार चाढ़ी
ते फ्ही कड्ढू उड़िया हैं फ्ही हत्थ मुहार पड़काई ते जा हुण भाई हैं एह केड़ा तरीका एक राजा आदमी भीम सिंह होर इन्हें राजा बना दा हा और अज धोड़ी केड़ी हालत होई दी जरा है और अज बीजेपी च ये आए चलो अस भी बीजेपी च ने ये भी बीजेपी च आई है साढ़ा पूरा सहयोग है लेकिन मिगी लगा था कि जिस दिन टिकटां बंडोइयां ना जिन्नी स्पीड कन्नै एह् आ दे ना बीजेपी च मतलब जिस ट्रेनर जां ज्हाजैर ट्रेनर गए होंगन तां इन्हें हुण ज्हाजैर जाना इन्हें मतलब टिकट नहीं थ्होई तां क्योंकि छे महीने गै छे महीने इलैक्शन होनी गै छे महीने अंदर जिसलै टिकटां बंडोइयां बैस्ट च बुलाना ओके ਉਹ ਪੈਨਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਥੋਂ ਬਣੀ ਆਉਂਦੇ ਇਹਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਬੜੇ ਮਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਲਾਸਟ ਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਟਿਕਟ ਕੁਸੀ ਥੋਈ ਤੇ ਕੁਸੀ ਨਹੀਂ ਥੋਈ ਲਾਸਟ ਈ ਚੱਕਰ ਬਣਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਟਿਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੋਈਂਦਾ ਜੇਕਰ ਬਣਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਦੇ ਨਾ ਕੁਦੇ ਪੁੱਜਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਣ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਖੱਜਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਨਾ ਜੇ ਅਤੇ ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਖਾਲੀ ਆਦਾ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ते टिकट नहीं थोई तो उस कोई होर पार्टी पकड़ी लैनी तो इत्तै गल्लै जिन्हें लोकें टिकटा लालच होग उन्हें जाना ना सी छे महीने बाद उंदा पता नहीं लगना है जिन्नी स्पीड कन्नै वह आवा दे नुहाड़ा हद्द उन्नी स्पीड कन्नै उन्हें नस्सना लेकिन जेहड़े लोग संगठन की भाषा समझन बीजेपी की भाषा समझन तो उन्हें बनकै रौना उन्हें गेटा संगठन वास्तै काम करना डटै रौना कोई ये आखिरी इलैक्शन नहीं है जेकी इलैक्शन आवा इलैक्शन होंदियां रौह्णियां ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਭੀ ਛੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਡੀ ਡੀ ਸੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਬੀ ਡੀ ਸੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰੀ ਕੁਦੇ ਨਾ ਕੁਦੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਉੱਠਦੇ ਵਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਅਤੇ ਖਿੱਟਿਆਂ ਪਈ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕੁਦਾ ਦੁੱਪਣੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਛੁੱਟਣੀ ਦੂਈ ਬਦਲਣੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਦੇ ਨਾ ਕੁਦੇ ਜੇ ਲੋਕ ਸਪੋਰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾ ਦੇਣ ਲੀਡ ਕਰਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੀਡ ਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾ ਉਹ ਕੁਦੇ ਨਾ ਕੁਦੇ ਖੱਜਲ ਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਕੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਣਕੋਟੀਆ ਹੁੰਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਹਨ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਹਨ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਦੇ ਦਿਓ ਉਸਨੇ ਤ੍ਰੈ ਤਰੀਕ ਆਵਾ ਦੇ ਮਹਾਂ ਮਣਕੋਟੀਆ ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੇ ਘਾਹ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਹੱਲੀ ਦੇ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੀ ਦੇ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇ ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੇ ਜੁਲਦੇ ਗਾ ਉੱਠੀ ਆਉਣ ਆਪੋ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਕਰ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਔਰ ਉਧਮਪੁਰ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜੇਕਰ ਬਿਆਨ ਆ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਾਸੀ ਜਾਨ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਰਕਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਟੀਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਵਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਟੋਪੀ ਓਕੀ ਲਾ ਦੀ ਅੱਜ ਏਕੀ ਲਾ ਉੜੀ ਹੈ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਜਾਈਏ ਕੁਰਸੀ ਚੱਕਰੇ ਦੋ ਦਿਨ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੁਰਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਉਹਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਖਾਲੀ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਜੇਕੇ ਕਟਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਟਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਟਰ ਪੈਂਥਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕਟਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੋੜਾ ਜੇਕਰ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਠੀ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਉਸੀ ਜੇਲਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੱਕਰਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਦੋ ਤਰੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕਰੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੋ ਤਰੇ ਦਿਨ ਅੰਦਰਾਗ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਕਿ ਅਸ ਬਾਹਰ ਜਾਈਦੀ ਕੀ ਆਖਗੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਗੇ ਕਿ ਅਸ ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਗਾਲੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਲੀਡਰ ਗਿਆ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਉੱਠੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲੀ ਕੱਢਦੇ ਜਰਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇੱਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਰਕਰੀ ਕੰਨੇ ਲਈਏ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਜੇਕੇ ਲੋਕ ਕੰਨੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁਣ ਕੁਛ ਲੋਕ ਪੈਂਥਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਚੱਕਰੇ ਚੜ੍ਹੀ ਅਗਰ ਉਹ ਛੁੱਣ ਪੈਂਥਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣ ਮਣਕੋਟੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕੰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਵਾਸਾ ਉਹ ਕੀ ਕੁਰਸੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਜੇਕੀ ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਥਾਰ ਥੋਦਾ ਬਿੰਨਾ ਇੰਨਾ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉੱਠੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸ ਜਾਚਾ ਤਾਂ ਜਾਚਾ ਕੋਕੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੁਰਸੀ ਆ ਚੱਕਰੇ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਕਿ ਬਚਾਉਣੀ ਕਿਆਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਆ ਜਾਕਰ ਜਿਹੜਾ ਅਤੇ ਮਿੱਕੀ ਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਆਂ ਬਚਿਆ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਵੀ ਲੱਗਾ ਜੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪਾਰਸ਼ਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸ ਪੈਂਥਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇਣ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੱਚੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮਾਸਿਆਂ ਮੌਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਝੋਲੂ ਚੁੱਕਣਾ ਜੋ ਕਹਿ ਵਾਸਾ ਦਿਆ ਜੋ ਕਹਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉੱਠ ਜਾਣ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਉੱਠ ਜਾਣ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇੱਤੇ ਗੱਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉਵੇਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿ ਝੱਟ ਕੇ ਟਿਕਟ ਧੋਈ ਜਾਣੀ
उऐ कल मैं अर्षदेव हुंदा भी इंटरव्यू सुना दा हा, कहवा दा हा कि माम आलियां पार्टियां नहीं हैन, कि मामे दियां पार्टियां नहीं हैन, कि पुठे सिद्धे काम करके तुस ते मामा जी सिरे दा हत्थ फेर उड़दा कि ठीक है बच्चा कोई गल नहीं, गलती होई तां केड्डा सुधार कर उड़िया। ते इत्थे मामे नहीं हैन, इत्थे सारे फुफड़ न, हैं इत्थे जेल्लै निक्की जी गलती हुंदी तां सोटा लेइयै पिच्छे लगदे ते पार्टी चा त्रुड़ियै बाहर कड्ढी उड़दे उसलै, क्योंकि इत्थे कोई कमी नहीं है लीडरें, इत्थे प्रवक्ता भी हैन लीडर भी हैन। हुण पैंथर्स पार्टी दा उहदे च इक्का दुक्का लीडर हे तां उत्थे जरूरत ही, जां अपने रिश्तेदार सारे किट्ठे होए ते उहनां पार्टी असां बना दी सारे जणे मिली जुलियै, तां उत्थे कोई निक्की मुट्टी गलती करी उड़दा हा तां उसी नज़रअंदाज करी उड़दे हे। पर इत्थे कोई गल्लबात करनी होए तां बड़ा सोची समझियै करना पौंदी, तोलियै करना पौंदी, कि दौं चार बारी अपने सोचना पौंदी कि एह् गल्ल अ'ऊं करां जां नेईं करां। सिद्धा गै नहीं है कि लग्गी पे किश भी आखी ओड़ेआ जे कोई मुंहै च आया, ते इत्थे बड़ा सोची विचारियै चलना पौंदा। और इत्थे बड़ी जल्दी जिन्नी स्पीड कन्नै जिन्ने हार पोआंदे जिन्ना एह् स्वागत करदे तां उन्ना गै तौला बाह्रला रस्ता भी दस्सी ओड़दे झड़ा झड़। ते इत्तै गल्ला अगर कुल मलाइयै गल्ल करचै उधमपुर जगह कुर्सी कुर्सी दा खेल चला दा आने कुर्सी गै दिक्खा दे, हुण कुत्थै अपना अपना दा लग्गी जंदा है, अपने अपने तैयार होआ दे सारे। हुण दिक्खो कुसी टिकट थ्होंदी ऐ, कुदै मुकद्दरें च लिखा ते किन्ने टिकदे न, किन्ने आजाद खड़ोंदे न, किन्ने नसदे न, ओह् ते बाद च गै पता लग्गा। लास्ट सवाल तुं'दे कोला जे जानना चाह्गा, हर्षदेव होरें केह् आखना चाहगे कि उ'नें बी न्योता देना चाहगे कि ओह् बी भाजपा च आई जान? दिक्खो उं'दे च अपना उं'दा अपना सोच है, उं'दी अपनी आइडियोलॉजी है, शायद उं'दी आइडियोलॉजी जेह्की बीजेपी कन्नै नेईं मिलदी होऐ, उ'नें होई सकदा आम आदमी पार्टी च संतुश्टि मिला दी होऐ। लेकिन जित्थें भी रहो मेरा एह् है कि लोकें गी जियां कम्म करा दे, अपने लोकें गी आवाज़ चुका दे, अपने गल्लबात जेह्की है लोकें गी, साढ़ा मेन मकसद सारा दे इक्कै ना कि जियां कियां है लोकें गी कम्म होने चाहिए, पब्लिक दे कम्म होने चाहिए। हून जेह्का मतलब कि खाली कुर्सी ऐ चक्करें MLA कियां बनाऊं जां कियां मिकी कुर्सी थ्होऐ, तां ओह्दे मिकी नहीं लगदा कि उस बंदे दी सोच होग कि अ'ऊं लोकें गी कम्म कैलू करंग जां कियां करंग। इक टाइम ऐसा है कि जेल्लै मनकोटिया होर उं'दी एह् सोच नहीं ऐ ही कि अ'ऊं अस कड़ाह् बनांदे होंदे हे पीर बारे, मिगी अजें बी पता, तुसेंगी पता होना बैंक ऑफ इंडिया दे सामने उत्थें पीर बाबा दे, उत्थुआं शुरुआत इं'दी होई ही डोगरा क्रांति दल च। तां उसलै इ'नें सोचा गै नहीं हा कि मैं MLA बनना, जेल्लै इ'नें नेईं हा सोचा तां द'ऊं बारी बनी गे। हून इक स्हाबा मिगी इ'यां लग्गा दा कि एह् कहीं ना जिद्द जन पकड़ी कि जियां कियां है मैं MLA बनना, भवें BJP च जां, NCC च जां, PDP च जां, अ'ऊं आजाद खड़ोआं, अ'ऊं कांग्रेस च जां, झाड़ू आह्लें कन्नै जां, कुदै जां, किसै तरीके ने मिगी इक दाह् लग्गी जा, इक मौका लग्गी जा, इक बारी अ'ऊं MLA बनी जां। लेकिन ओह् सोच इं'दी जेह्की अ'ऊं दिक्खा ना कि ओह् इं'दी सोच गलत ऐ, ओह् सोच नहीं ही रक्खनी चाहिदी इ'नें। एह् अगर जियां चला दे हे लोकें कन्नै, पब्लिक कन्नै अपने कम्म काज चला, लोकें गी पब्लिक, इक निक्का हा निक्का आदमी इं'दे कश औंदा हा नुहाड़े कन्नै फटाफट DC दफ्तर चली पौंदे हे, कोई तहसीलदारै कश जाना, नायब तहसीलदार कश जाना, कदें शर्म नहीं करदे आए। और इ'नें एह् नेहा सोचा कि मैं MLA बनने आस्तै एह् कम्म करना, लेकिन जिस बेल्लै ओह् सोच नहीं रखी तां लोकें इ'नें बनाई ओड़ेआ। लेकिन अज्ज एह् जेह्का आ दा इ'नें सोच जेह्की रखी जियां कियां है कुर्सी थ्होनी चाहिदी, जेह्ड़ा मर्जी ऐ बाला उड़ा अ'ऊं जियां कियां है इक बारी MLA बनी जा। तां ओह् खबरै हून ओह् मुकद्दरें दी गल्ल ऐ, हून खबरै थ्होनी नेईं थ्होनी, उट्टिबड़ा शिबड़ा दस्सी लैङन अपना कुदै पंते गी खरै जी कि भाई हून केड्डा राजयोग है जां नेईं है। केईं बारी होंदा कि राजयोग जेह्का उठाप होई जंदा ते आदमी धरटियां दिंदा रौंह्दा लेकिन नेईं कम्म बनदा। ते इत्तै गल्ला एह् अपना दिक्खी लैन कि अगर होग राजयोग तां बनी जाना इन्हें केड्डा भी। ते साढ़ा इ'यै है कि हैन साढ़े भ्राऽ गै, साढ़े परिवार दे न, कि अग्गें बधङन तां अस गै फोन करगे इ'नेंगी जां कम्म दसगे, तां एह् साढ़े कशा पिच्छें थोड़ी होंदे न किसै बी गल्लै च। लेकिन एह् है कि इक इक जगह टिकी जान ना कुतै, एह् अगर पैंथर्स पार्टी च गै टिके रौंह्दे हे तां भी अच्छा हा, इन्हें डोगरा क्रांति दल च आए अगर उत्थें गै रौंह्दे तां भी खरा हा, अ'ऊं आखना आम आदमी पार्टी च गे उत्थें गै टिकी जंदे तां भी खरा हा, हून अ'ऊं आखना BJP च आई दे अगर इत्थें गै टिकी जान तां भी अच्छा। लेकिन मिगी नहीं लगदा है कि एह् टिकटां बनाउणा हा बाद जेह्ड़ा इत्थें रौह्ङन, क्योंकि टिकटें तक गै इं'दी दौड़ जेह्की टिकटें तक गै इस बेल्लै जेह्की कोशिश चला दी कि जियां कियां है टिकट थ्होऐ ते किसे तरीके कन्नै, क्योंकि इसलै BJP दा जेह्ड़ा भी खड़ोग सारे संगठन ने BJP कन्नै जेह्के चला दे, जेह्ड़े लोग मिलियै पैनल बनांदे जां जेह्ड़े टिकटां दिंदे ओह् होर गै लोग न पिच्छें, और ओह् सारा दिक्खियै बखूबी दिक्खियै, और इस चीजै मतलब कि कोई ओह् नहीं है कि बुराई नहीं है,
कि मनकोटिया और बीजेपी च आए बड़ा अच्छा, लेकिन मेरा यही है कि हुण बनके रहो भाई उठी आए तां हुण बीजेपी च आईए तां हुण इत्थै बनके रहो, हुण घड़ियां घड़ियां नहीं त्रैट्यो, मतलब कोई इस स्हाबे त्रैट नहीं लगी आ कि भलेआं बनके गै खिस्तियां न ते कुतै चलने जुड़े बी नहीं रहो। इत्तै गल्लै हुण बीजेपी च अगर तुस बनके रहोगे तां ओह बड़ा अच्छा, मतलब तुहाड़े आस्तै भी सारें आस्तै कि वर्करें आस्तै भी, मसियां मसियां वर्करें मन बनाया हा कि हाँ ठीक है भाई उन्हें भी बुहार शुहार चुकी ताहीं तुसीं टोपियां टापियां लाइया, पहले कईआं मन गै नहीं हा मन आता कि बुहार वाली टोपी कौन लानी जी मंदी लभदी, ते लेकिन बल्लें बल्लें उन्हें मन बनाया जिस वेलै महीने दौं महीने बिचा निकले टोपी टापी लाइए, पहले वह शीशे अगर खड़ोइए आपूं गै दिखदे रेह कई दिन तकरा, फिर बल्लें बल्लें बाहर ही निकलना शुरू किया उन्हें, जिसलै लोकें च पुज्जे तो उन्हें टोपी गै बदलू उड़ी इन्ने चिरे, हुण उन्हें मसियां अभ्यास होआ हा वर्करें कि ओकी टोपी बुहार वाली लाइयै लगे हे कुतै बाजार फिरना, तो हुण उन्हें हुण उन्हें आखा दे नहीं हुण एक ही टोपी खोलो एक ही लाओ, तो उंदी जिंदगी ते टोपियां बदलदे गै होई जानी जेके वर्कर ने लास्ट, मतलब उन्हें आखिरकार उठी जाना टोपियां बदली बदलियै, तो यह हिसाब होई जाना। वो एक छोले फिल्म नहीं है तुसें दिखी होनी, उत्त जे एक पुलिस आला हुंदा वह गलांदा भाई अद्धे जेके न ताहीं जाओ ते अद्धे तुआहीं जाओ ते बाकी आले जेके मेरे पिछे आओ, लास्ट वो हाल होई जाना अद्धे ओके पासे पैंथर पार्टी उठी जाने अद्धे मुहार आह्ले कन्नै जाने उठी, ते जिसलै लास्ट अग्गें जाना भाई ते बाकी मेरे पिछे, मेरे पिछे ही दिक्खना जिसलै ते पिछे कोई भी नहीं, अद्धे अद्धे जिसलै भेजू उड़े ते पिछे कौन आना फ्ही। इत्तै गल्लै जियां तुहाड़ा अच्छा सिस्टम चला दा हा, वर्कर तुहाड़ा जुड़ा हा, लोग तुहाड़े कन्नै जुड़े हे और वह जुड़े रौह्ने, लेकिन अज्ज वोटर भी तुहाड़ा कन्फ्यूज़ होई दा, वर्कर भी कन्फ्यूज़ होई दा और जीके जीते पार्षद वह भी कन्फ्यूज़ न, उन्हें राती नींदर नहीं आती कि अस ये नहीं पता लगता उन्हें कि जिसलै वह राती सौंदे उसलै वह पैंथर पार्टी दे होंदे, कोई अद्धिया राती जिसलै कुतै बाहर से जंदे उठदे तो वह बुहार आह्ले होई जंदे आम आदमी पार्टी दे होई दे होंदे, बडलै जिसलै लो लगदी तां वह बीजेपी दे होई जंदे, मतलब उन्हें भी चक्कर आवा दा कि अस हैन कोकी पार्टी दे न, उन्हें अपना गै नहीं पता लगा दा कि जिस वेलै कुतै मीडिया आह्ले पुछदे भाई तुस कोकी पार्टी दे हो, तो उन्हें कोई दौं त्रै मिंट लगी जंदे सोचने कि अस हैन कोकी पार्टी दे न, पहले सोची दे लैचै, ते इत्थै गल्लै इक जगह कोई बनका होऐ तां टकोदा गेदा सनाई ओड़दा, हुण जियां अस इत्थै बीजेपी च न तुस पुछदे तां सिद्धा सनाई ओड़ने भाई बीजेपी दे न, ते जेल्लै अ'ऊं गै अगर म्हीने म्हीने दौं दौं म्हीने पार्टियां बदलदा रवां हैं तां उत्त मैं केह् सनाना, जेह्के लोग कोई साढ़े कन्नै जुड़े होङन दौं चार लोग जेह्के ओह् केह् सनाङन ओह् कोकी पार्टी दे न, पार्टियां सारियां ठीक न, पार्टियें आइडियोलॉजी जेह्की सारी इक ऐ कि लोकें कम्म करने आम पब्लिक की जेह्की सेवा करनी, बाकी इ'यै कि लीडर गै अपने चक्करें च थोड़े रौंह्दे कि यार भैं इत्थुआं खबरै असें टिकट थ्होनी नेईं थ्होनी, जां असें इत्थां कोई बेनीफिट होई सकदा नेईं होई सकदा, जां अस MLA कि'यां बनचै, अस फलाना कि'यां बनचै, ते एह्दे चक्करें च जेह्का थोड़ा जिहा फेरबदल करदे, लेकिन एह् है कि इक जगह आदमी बनका रवै तां कुतै ना कुतै ओह् पुज्जी जंदा, कोई भी पार्टी कदें भी कुसै गी खज्जल नहीं करदी ऐ, कुसै भी वर्कर गी अपनी खज्जल नहीं करना चाहती है कोई भी पार्टी होग। बाकी जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ DDC परीक्षित जी, और इनके साथ जो है हमने पैंथर्स पार्टी को लेकर भी कई सारे जो है सवाल किए और भाजपा पार्टी को लेकर भी कई सारे सवाल किए, और ख़ास करके जो हमारी ज़्यादा बातचीत हुई बलवंत सिंह मनकोटिया जी को लेकर, क्योंकि हाल ही में जो है बलवंत सिंह मनकोटिया द्वारा जो है आम आदमी पार्टी से जब उन्हें टर्मिनेट किया जाता है तो उसके बाद जो है भाजपा का दामन थामा जाता है, लेकिन इनका ये कहना है कि बलवंत सिंह मनकोटिया हमारे भाई हैं, अगर जो है लंबे समय तक अगर भाजपा में वो रुकते हैं तो हम उनके साथ हैं, अगर जिस तरह से जो है आम आदमी पार्टी में कुछ समय के लिए आते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी इनका जो है साथ देने को नहीं होंगे।